Hi everyone, welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So fresh week start हुआ है, Nifty से start करेंगे और weekly time frame पे सबसे पहले analysis start करते हैं. तो weekly time frame पे अगर आप देखेंगे तो weekly time frame पे हमें बहुत clearly देखने को मिलता है कि there is a cup and handle. Although lower levels पे थोड़ा सा rounding अगर होता तो it would have been better. तो अगर हम cup and handle का pattern को देखें तो there is a breakout in Nifty. ठीक है, इस last week हमें एक breakout देखने को मिला. तो technically अगर हम बात करें Nifty में तो Nifty में already एक breakout आ चुका है and Nifty should move upwards. अपनी जो journey है वो continue करके निकलती. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो दूसरी तरफ Nifty में यहां से एक अच्छा लंबा run हमें देखने को मिल रहा है और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट. बिकॉज रिट्रेसमेंट के नाम पे क्या था कि एक पॉज ले लिया, फिर दोबारा एक पॉज ले लिया, फिर से एक पॉज, फिर दो वीक का पॉज और अब ब्रेकआउट मिला है. तो एटलीस्ट हम देखिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में कि कॉन्टिन्यूएशन में निकल के जाएगा और फ्रेश ऑल टाइम हाईस निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली लग जाए. अगर कल फ्लैट भी ओपन करता है तब भी बाइंग के लिए ट्राई करना चाहिए. थोड़ा सा गैप अप ओपन भी कर रहा है तब भी पुल बैक और कॉन्टिन्यूएशन के लिए ट्राई करना चाहिए. लेकिन अगर आने वाले एक से दो हफ्ते में अगर निफ्टी में, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियर एक ब्रेकआउट मिला है और बहुत से लोग यहाँ पर बाय करने वाले हैं, पोजिशनल ट्रेड्स उठाने वाले, स्टॉप लॉसेस इन एरियाज पे होंगे. लेकिन अगर निफ्टी में यहां से आने वाले एक से दो हफ्ते में, एक से दो वीक्स में निफ्टी में यहां पे कुछ बेयरिशनेस देखने को मिलती है तो फिर हमें एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 18,000 के एरियाज. ठीक है, बिकॉज ये कप एंड हैंडल का एक फेलियर देखने को मिलेगा और उसका 50% रिट्रेसमेंट के लिए हम ट्रेड ले सकते, पोजिशनल ट्रेड रहेगा. ठीक है, पुट साइड का. लेकिन पहला जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेड लिया जाए. कल अगर फ्लैट ओपन कर रहा है बाइंग साइड के लिए, गैप अप ओपन करता है तब भी बाइंग साइड के लिए देखना चाहिए. गैप डाउन ओपनिंग के केस में अभी जब लोअर लेवल्स पे निकल, लोअर टाइम फ्रेम्स पे निकल के जाएंगे तब देखते हैं. अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो निफ्टी बुलिश दिख रहा है. डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी का एक ब्रेकआउट एरिया है ऑलमोस्ट यहां पे, बिकॉज ये प्रीवियस ऑल टाइम हाईज है. मार्केट एक गैप अप ओपन खुला था और वहां से सीधा नीचे की तरफ अच्छा खासा एक हमें फॉल देखने को मिला है. 18,800 से 16,800, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का हमें यहां पर फॉल देखने को मिला. तो जब तक इस जो प्रीवियस यू नो ऑल टाइम हाईज है उसका ओपनिंग प्राइस जब तक सस्टेन नहीं करता, ठीक है, तब तक निफ्टी में उतना एग्रेसिव पोजिशंस बनाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा. तो निफ्टी अगर कल जैसा ओपन करता है या फ्लैट ओपन करता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी क्रॉस करता है, व्हाट इज द प्राइस, निफ्टी क्रॉस कर रहा है 18,870-75 को अगर क्रॉस करता है कि थोड़ा सा भाई फ्लैटिश ओपनिंग हुई 850 के आसपास हुई, 875 के ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, वहां से फिर दोबारा से हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, बाइंग साइड के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट्स जो है वो 19,000 जो एक राउंड नंबर है वहां तक के हम टारगेट्स प्लान कर सकते. लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपन करता है, अब 15 मिनट्स में जाकर देखते हैं बिकॉज बाइंग का तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन कर जाता है निफ्टी तो इनिशियली निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना पड़ेगा बिकॉज निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट एरियाज. सबसे पहले ये सपोर्ट है 780-790 और फिर दोबारा से लोअर लेवल्स पे ये सारा डिमांड जोन इसके बने 18,730. तो अगर सेलिंग के लिए आ रहा है तो निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करके चल, ठीक है. बाइंग के लिए निफ्टी फ्लैट ओपन करता है, फ्लैट एज इन के थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पे 18,850-860 के आसपास ओपन करता है, 875 के ऊपर की तरफ एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 19,000. ठीक है, अब 19,000 एक ही दिन में आएगा या एक से दो दिन लग सकते हैं वहां पर, बिकॉज 125 पॉइंट्स वहां पर निफ्टी को कवर करने हैं तो निफ्टी में हो सकता है एक से दो दिन वहां पर लग, लेकिन कॉल साइड के लिए हम ट्राई कर सकते हैं. बैंक निफ्टी पे स्विच करते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या काम है. देखिए बैंक निफ्टी में कुछ टाइम पहले ही बात हुई थी, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी पिछले 5 हफ्तों से बिल्कुल साइडवेज चल रहा है. ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5 वीक्स हो चुके हैं बैंक निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दिया. और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें कि इनवर्ट एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है तो वहां पे तो बैंक निफ्टी का ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी बुलिश एरियाज पे ट्रेड कर रहा है अभी के लिए. तो बैंक निफ्टी में कॉन्टिन्यूएशन मिलता है. ठीक है, बैंक निफ्टी सपोज प्रीवियस ये जो वीक है
इस वीक के हाईज के ऊपर की तरफ सस्टेन करना स्टार्ट करता है, जैसा कि इस वीक का हाई था 44,200, तो बैंक निफ्टी अगर 44,200-250 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, वहां पे फिर हमें एक बार दोबारा से फ्रेश ऑल टाइम हाईज देखने को मिल सकते हैं। और अच्छा लंबा टारगेट है बैंक निफ्टी का, बिकॉज कप एंड हैंडल वहां पर कंफर्म हो जाएगा। अभी के लिए तो ब्रेकआउट दिया है कप एंड हैंडल का, 43,600 के अराउंड एक ब्रेकआउट था। मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ट्राई कर चुका है 43,600 के नीचे वीकली क्लोजिंग देने के लिए, लेकिन अभी तक भी वीकली क्लोजिंग मिली नहीं है। तो अभी भी बैंक निफ्टी है बुलिश एरिया में। अगर 44,200 एरियाज के ऊपर की तरफ निकल के जाता है, 200-250 से ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है, हम फ्रेश ऑल टाइम हाईज देख सकते हैं बैंक निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा चौपिनेस में अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी उसी रेंज का ही पार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे तो दिखता है कि नहीं यार बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल से अच्छा सपोर्ट उठाया हुआ है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी चौप, डेली टाइम फ्रेम पे पूरे का पूरा रेंज में फंसा हुआ है, उसी रेंज का पार्ट बन के चल रहा है बैंक। अभी 15 मिनट्स पे चलते हैं और 15 मिनट्स में देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में अब आगे का प्लान क्या है। देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहला जो हमारे पास है रेजिस्टेंस निकल के आता है, जो कि मल्टीपल टाइम्स हम पहले भी देख चुके हैं, 44,200, ठीक है, 44,200-250 इन एरियाज के ऊपर। सपोज कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन कर 200 के आसपास कहीं गैप अप ओपन कर गया, या मतलब देखिए 170 से ऊपर की तरफ, 170-180 से ऊपर की तरफ गैप अप ओपन करता है, वहां से फिर दोबारा हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 44,300, सेकंड टारगेट 44,500। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन कर रहा है तो बैंक निफ्टी को इनिशियली थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा कि यार ये इस एरिया को, इस रेंज को पूरे का पूरा ब्रेक कर रहा है या नहीं, 44,170-180 को ब्रेक कर रहा है या नहीं। लोअर लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो हमारे पास 43,700-650 का हमारे पास एक सपोर्ट है। अगर बाय मिस्टेक बैंक निफ्टी इससे नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन कर गया, यहां पे बहुत सारे लोगों ने पुट सेलिंग करके रखी हुई है और ओवरनाइट वहां पर वो होल्ड करके ले, ठीक है, बहुत सारे कॉल सेलर्स अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर एरिया से जिन्होंने सेलिंग की होगी वो किसी ना किसी होप में अभी बैठ। गैप डाउन अगर ओपन कर जाता है, कॉल सेलर्स दोबारा एग्रेसिव होके ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और 43,700-43,800 के कॉल सेलिंग दोबारा से ऐड होने लग, तो वहां से फिर दोबारा से हम एक 43,400 के एरियाज का ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर। गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी को अगर ऑल टाइम हाईस की तरफ जाना है। गैप डाउन ओपनिंग बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी एक नेगेटिव साइड का मार्केट लेकर जा सकते हैं। 43,650 से नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो गए तो वहां से बैंक निफ्टी सीधा सीधा नीचे की तरफ निकल सकती है, चांसेस बनते हैं बैंक निफ्टी के एक ड्रॉप 43,400। कंजर्वेटिव अगर थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ काम करना है पुट साइड पे, 43,400 के ब्रेकडाउन पे करना चाहिए। अगर एग्रेसिव काम करना है तो 43,650-600 के एरियाज पे ट्राई किया जा सकता है एक कॉल सेलिंग के लिए। ऑल्दो इनिशियली आई विल ट्राई के थोड़ा सा ओटीएम कॉल सेल करना चाहिए वहां पे रादर देन आईटीएम या एटीएम, बिकॉज बैंक निफ्टी अगर इस एरिया में सपोज टाइम भी स्पेंड करता है तो वोलेटिलिटी में और चॉपिनेस में स्टॉप लॉसेस, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा इनिशियली ओटीएम ट्राई करना चाहिए। बाद में अगर 43,400 वगैरह को बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो वहां पे हम थोड़ा आईटीएम पे जाके काम कर सकते हैं, सो दैट के हमें प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन, और साथ में ही मिलेंगे कल सुबह 9 बजे इन द लाइव मार्केट इन लाइव स्ट्रीम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।